हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ सावरोस्की का। ये गार्डन है, इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एल्प्स है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये सावरोस्की का गार्डन था, ये इंसब्रुक से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले है, अगर साल्ज़बर्ग से आप जाते हो तो। कैसे हैं आप? तो अभी मैं इंसब्रुक पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी एल्प्स रेंज है, तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़, सामने बर्फ़ दिख रही होगी आपको, मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा। और ये पीछे खेत हैं, ये इसमें कोई घास लगा के रखा है गाय के लिए। आई मौसम बहुत ही खूबसूरत है इधर यार, तो मैंने गाड़ी पार्क कर दी है इधर मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। ये इधर पीछे मेरा रूरा है, और सामने ये पहाड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही स्टनिंग व्यू है यहाँ पे। तो ये रहा स्टनिंग व्यू मेरे रूम से, और मेरे रूम का बाहर का व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये सामने धुंध देख सकते हो, जस्ट लाइक अ वाओ। और टॉप पे आप सनराइज देख सकते हो, आप अभी सनराइज होने वाला इधर नीचे भी। अगर आपके लिए मैं सुबह जल्दी उठाऊं, या सुबह बोलते हैं कि व्यू बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो सच में व्यू बहुत ज़बरदस्त आते हैं। और सामने चंदा मामा, अमेजिंग स्टनिंग व्यू। भाई मैंने देख कैपुचिनो ऑर्डर की है, और ये रहा एक ही रेस्टोरेंट इधर टॉप पे, तो इसका मेन्यू है ये। कुछ वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शन भी हैं, लेकिन है बहुत महंगा। ब्रेकफास्ट के टेस्ट के बारे में क्या बताना, ये तो सारे बढ़िया है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। Thank you.
मैं निकल रहा हूँ, भाई साहब को रुकना पड़ेगा इनको। विल ऑल्सो स्टॉप क्योंकि बेसिकली रूल यही है, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे हो, अगर लाइट नहीं है तो आपके पास राइड होता है पहले जाने का। मैं अभी गलत रास्ते पे हूँ, ये सिर्फ साइकिल के लिए है। और इधर अभी मैं रिवर का आपको बता देता हूँ एक्सप्लोर करके। ये एल्प्स आपको दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, फिटनेस के लिए बहुत ही अवेयर रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो ये मेरे लेफ्ट में रहा सिटी म्यूजियम, बहुत ही पुराना है, लगभग 15वीं शताब्दी में बने थे सारे ये। आज ये रहा स्टनिंग व्यू रिवर का पूरा। और ये रहा मैं, तो अभी मैं खड़ा हूँ, तो अभी मैं इधर खड़ा हूँ जहाँ तक कि एक केबल कार आती है। तो मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, नदी कितनी प्यारी दिख रही है और ये सामने बर्फ की पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर भी हुआ है। आप मेरे पीछे टॉप देख सकते हैं, शायद दिख ही रहा होगा, मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही है। तो ये मेरे पीछे टॉप है, यहाँ से एक डेढ़ घंटा लगेगा, एक घंटा तो कम से कम मान के चलो लगेगा ऊपर जाने के लिए। अपना कोई मूड है नहीं ऊपर जाने का, इतना टाइम है नहीं, लेकिन यह बहुत खूबसूरत स्टनिंग व्यू। ये सितंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में तो इधर पूरी बर्फ गिरती है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक। पता चल जाएगा टेम्परेचर माइनस, मेरे हिसाब से 5-6 तो रहेगा, 7 डिग्री। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि मेरे पास जैकेट, मोटी जैकेट नहीं है। और इधर चलते हैं बाहर।